हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीरेंद्र फिटनेस। मेरी पिछली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उन वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ बाइसेप्स के ऊपर लेकर आया हूँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि बाइसेप्स का साइज जल्दी से जल्दी कैसे गेन करें। हमें एक चीज़ समझनी होगी कि बाइसेप्स के साथ साथ आपको ट्राइसेप्स भी गेन करने होंगे, क्योंकि 40% जो हमारा है वो बाइसेप्स है और 60% जो पार्ट है वो ट्राइसेप्स है। पर वो ट्राइसेप्स का टॉपिक अलग रहेगा, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला जो हमारा आज बाइसेप्स के ऊपर रहेगा वर्कआउट, मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा कि आप जल्दी जल्दी अपने बाइसेप्स का साइज गेन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट को। अब घर पे भी कर सकते हो, अगर जिम में जा रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले बारबेल कर्ल से। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप वेट उठाएं, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो रेपिटेशन के ऊपर ज़्यादा और मसल टेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। एक सेट में आपको 12 से 15 रेपिटेशन रखने हैं, और ऐसे ऐसे आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज हमारी रहेगी डंबल कर्ल। बाइसेप्स को पूरा स्क्वीज करेंगे ऊपर तक। फोकस रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बाइसेप्स के ऊपर टेंशन आए, बॉडी को ज्यादा जर्क नहीं देना है। कई लोग हैवी लिफ्टिंग के चक्कर में पीछे की तरफ जर्क करते हैं, तो हमें कोर को टाइट रखना है, चेस्ट को बाहर रखना है और सिर्फ बाइसेप्स की मूवमेंट रखनी है। पूरा नीचे तक खोलेंगे बाइसेप्स को। ऐसे ऐसे हमें 4 सेट परफॉर्म करने हैं, और लास्ट हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो फेलियर तक हम जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम रेपिटेशन के ऊपर ही मतलब फोकस रखें, हमें लास्ट में जो लाइट वेट लेकर फेलियर तक जाना है, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो मसल को ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना है। इसमें हम हैमर डंबल करेंगे, क्योंकि साइज गेन करने के लिए हैमर डंबल बहुत ज़रूरी है। आप दोनों को एक साथ भी मूवमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रहे सिर्फ बाइसेप्स ही आपकी मूव होनी चाहिए, बिल्कुल फेलियर तक जाएंगे हम। पंद्रह से 20 रैप के बाद आपको लगेगा कि बाइसेप्स आपके फटने वाले हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू आपको लगे रहना है। ऐसे ऐसे आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं, बिल्कुल फेलियर तक जाएंगे हम। तो गाइस, आपको स्टार्टिंग में मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना है। एक टाइम आएगा आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हैवी लिफ्ट भी करोगे, पर स्टार्टिंग में जो आपको फोकस रहेगा बाइसेप्स के ऊपर, मेन आपको टेंशन देनी है, वो आप लाइट वेट से भी कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होगा आप डेली बाइसेप्स भी ट्रेन कर रहे हैं, उससे आपकी मसल को रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा और वो ग्रो नहीं कर पाएगी। आप वीक में 2 बार मैक्सिमम बाइसेप्स को ट्रेन करें। गाइस, ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आप इनको एक मंथ तक आप अपने वर्कआउट में ऐड करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितने रिजल्ट मिले हैं। और जहाँ पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपको हैवी लिफ्टिंग पे तरफ फोकस नहीं करना है, आप बिगनर हैं, आपको लाइट वेट से और बिल्कुल फेलियर तक आपको जाना है, और मूवमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे दोस्तों? आपने वीरेंद्र शर्मा की वीडियो देखी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके चैनल सब्सक्राइब करें। और गाइस, जैसे आप मेरे चैनल पे प्यार दिखा रहे हैं लोगों इस भारद्वाज में, तो प्लीज़ जाके वीरेंद्र शर्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू गाइस, ऐसे सपोर्ट देते रहना।